स्वागत है आपका हमारे समाज पर बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी सभी खबरें बिहार की। आज के न्यूज़पेपर में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी आए हुए सभी खबरों का निचोड़, साथ ही ऑफिशियल जानकारी को भी हम लोग देखेंगे। ऑफिशियल लेटर जो पोस्ट होता है, आज ही हम लोग का एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, जैसे आप यहां देख रहे हैं स्कॉलरशिप न्यूज़। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए। सभी स्टेट वाले इसको भर सकते हैं। अगर अब तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही देखिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ही इस स्कॉलरशिप को भरिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को जुलाई से अक्टूबर तक की वेतन राशि हुई जारी। पटना से न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न नगर निकायों एवं जिला परिषद अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के, बिहार राज्य में जितना भी मध्य विद्यालय है और नगर निकाय एवं जिला परिषद अंतर्गत नियोजित शिक्षक आता है, सभी के लिए राशि जारी कर दिया है। बेहतर तरीके से आप यहां से पढ़ सकते हैं। इंटर नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची जारी। एएन कॉलेज के विज्ञान संकाय में 89% तक गया कट ऑफ। राजधानी के नामी स्कूल में कट ऑफ काफ़ी नीचे। पटना का न्यूज़, आप यहां से इसको पढ़ सकते हैं कंप्लीट तरीके से। इंटर कंपार्टमेंट का अंक पत्र डीईओ कार्यालय से। पाँच सौ 38 स्कूलों में फिर भरी 1.7 लाख सीटें इंटरमीडिएट। सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी। पॉलिसी वाली फाइलों के मूवमेंट पर ब्रेक। पटना का न्यूज़ है। बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण को 1 करोड़ रुपये विमुक्त। सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों के वेतन को 2.80 अरब की राशि जारी। बीएड कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया आज से। चार वर्षीय बीएड कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा 28 को। बीएड नामांकन प्रक्रिया आज से। पटना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बारे में न्यूज़ है। बीएड में नामांकन को 9000 से अधिक आवेदन। जांच के बाद 18 शिक्षकों के एक दिन का काटा गया वेतन। सासाराम जिले का न्यूज़ है। छात्रों की शैक्षणिक दक्षता में आई कमी, नए रिपोर्ट से हुआ खुलासा। एमडीएम में बच्चों की थाली से दूर हुआ फल और अंडा। विद्यालय के रसोई घर से एमडीएम की सामग्री चोरी। नल जल योजना में मिली गड़बड़ी, सहायक व लेखापाल का वेतन बंद। जिलाधिकारी डीएम ने बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण। केजी बीवी सेमरा का डीपीओ ने किया औचक निरीक्षण। सासाराम जिले का न्यूज है। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज आंगनबाड़ी कर्मी को दिया प्रशिक्षण। ये भी लेटर है, यहाँ देख रहे हैं आप। डेट 11/8/2022 का है। विषय सातवें चरण के नए नियमावली के तहत नियोजन प्रक्रिया आरंभ होने से पहले सीटेट दिसंबर 2022 के आयोजन के संबंध में। सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में कुछ कहा गया है इस लेटर के द्वारा शिक्षा विभाग को। इसको बेहतर तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अपलोड किए गए सभी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम को आप टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर सवा जफर बिहार यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर अब तक आप इस स्कॉलरशिप वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही देखिए और इसको भरने का कोशिश करें। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। बिहार में शिक्षा और रोज़गार से जुड़ी सभी खबरों का निचोड़ हमारे यूट्यूब में सही तरीके से अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू।